निश्चित रूप से डायबिटीज की समस्या एक पारिवारिक बीमारी है, परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है। एंड न केवल पारिवारिक बीमारी बल्कि जो वातावरण में या लाइफ स्टाइल उसका भी इसमें एक बड़ा योगदान रहता है। डायबिटीज को मुख्यतः दो तरह से डिवाइड करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। ये दोनों पारिवारिक बीमारियां हैं। इनके अलावा कुछ और डायबिटीज की स्पेशल टाइप्स होते हैं जो कि केवल वंशानुगति होती हैं, परिवार में एक से दूसरी पीढ़ी में चलते चले जाते हैं। जो डायबिटीज की हम बात करें, महिलाओं और पुरुषों में लगभग समान रूप से इनको अफेक्ट करती है, लेकिन जो डायबिटीज के दुष्प्रभाव पड़ते हैं यानी कि जिसके खराब इफेक्ट पड़ते हैं वो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा खराब इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे हम दिल के दौरे की बात करें तो दिल के दौरे की संभावना जिनको डायबिटीज नहीं जिनको डायबिटीज है उन महिलाओं में 4 गुना ज़्यादा हो जाती है जबकि पुरुषों में 2 गुना ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा आँखों के रोग जैसे डायबिटीज की वजह से जो आँखों में उसका बीमारी हो जाती है, अंधेपन की बीमारी हो जाती है, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है या किडनी के रोग जो डायबिटीज की वजह से हो जाते हैं वो सब महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हो जाते हैं कंपेरिजन में। इसलिए महिलाओं को और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे मैं बात की कि डायबिटीज वंशानुगत बीमारी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती चली जाती है, तो अब इससे बचने का उपाय क्या करें? कोई भी कहेगा भाई ठीक है आपने बता तो दिया कि हमें ये संभावना ज़्यादा हो सकती है। बचने के लिए अगर हम बात करें बहुत सारी दवाइयाँ भी इसके लिए ट्राई की गई, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने लाइफ स्टाइल को यानी कि अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रोजाना एक्सरसाइज करना यानी कि नियमित व्यायाम करना, अपने खान पान का ध्यान रखना, खान पान में वसा की मात्रा कम रखें और जो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है उसकी कभी बिंजेज ना करें यानी कि एक साथ में बहुत ज़्यादा ऐसे ना खाएं। इसके अलावा अपने वजन को अपने अगर कंट्रोल में रखेंगे तो डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है। नियमित व्यायाम, ज़्यादा वसा ना खाना, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना खाना और अपने वजन को कंट्रोल करना, ये इसके अलावा धूम्रपान ना करना, ये सब चीज़ें रखेंगे तो डायबिटीज की संभावना कम से कम रहेगी।